अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से आप एक गिग क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से हमने एक टाइटल चूज़ करना है, किस तरह से उन जो कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए थे उनके ऊपर उनको किस तरह से यूज़ करना है टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी। ये भी देखा था कि आपने टैग्स किस तरह से चूज़ करने हैं अपने कंपेटिटर से, और इसी तरह से ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो काम रह गया था वो था कि हमने एक थंबनेल बनाना था अपने गिग के लिए और बाकी इमेजेस अरेंज करनी थी। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए चलते हैं किस तरह से हम थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं अपने फाइवर गिग के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देखें हमारे पास जो है फाइवर का इंटरफेस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर वर्डप्रेस लिख लेना है, ठीक है, और वर्ड प्रेस लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे डिफरेंट तरह के। यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनके जो गिग्स हैं वो आपके सामने है, राइट। तो आप भी किस तरह से ऐसे गिग्स डिज़ाइन कर सकते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स से हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन करना है थंबनेल। तो मैं चलता हूँ, एक वेबसाइट है हमारे पास canva.com, इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है। सिंपल यहाँ पे साइन अप करना है, आपने एक अकाउंट बना लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है यहाँ पे। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। तो हमने क्या करना है, फाइवर की थंबनेल की डायमेंशंस है हमारे पास 712x430। तो उसको करने के लिए हमने सिंपल यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन करना है और कस्टम साइज पे क्लिक कर देना है। कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास विड्थ थी 712, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, और हमारे पास जो हाइट थी वो 430 थी, राइट, वो हमने यहाँ पे क्लिक करके ऐड करके और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैनवस आ जाएगा बिल्कुल जो है बिल्कुल प्लेन साफ। तो हमने मान के चले कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है, तो इसको मैं ज़रा इस साइड पे ले आता हूँ और देखता हूँ कि इस तरह से डिज़ाइन हम किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्वियसली कलर्स वगैरह हम अपने मुताबिक चूज़ करेंगे। तो चलें, ये हमारा जो है कैनवस आ चुका है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक राइट साइड वाला हिस्सा है जो कि ये वाला हिस्सा है जिसके अंदर बिल्कुल वाइट कैनवस है, इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं, उन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसको लोड हो लेने देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डोंट नो वाई। तो मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ और फिर से देखता हूँ कि ये लोड होता है या नहीं होता। ओके, ये हमारे पास लोड हो चुका है कम्प्लीटली। राइट साइड पे आपको एक बिल्कुल वाइट कैनवस नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड पे कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स यूज नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स को, जैसे यहाँ पे ये प्रो लिखा हुआ है, ये वाले इनको यूज़ करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जिन पे प्रो नहीं लिखा हुआ उनको यूज़ करके आप टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे ये है और जो कुछ भी है। अभी हम क्या करने लगे हैं, हम क्योंकि हमने रेफरेंस डिज़ाइन इसको देखा है और इस तरह से हमने कोई डिज़ाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कैनवस है। कैनवस से सबसे पहले हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। हम यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से मैं ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड पे कुछ डिज़ाइनिंग्स हैं, वो डिज़ाइनिंग्स हम कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एलिमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स और शेप्स मौजूद हैं। तो लेट्स से मैंने इस शेप को लिया और इसको मैं ज़रा इस तरह से कर दूंगा, और यहाँ पे रखने के बाद
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट, कुछ इस तरह से। और इसका मैं कलर कर देता हूँ बिल्कुल वाइट। वाइट करने के बाद इसको मैं, इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरह से कुछ 3D इफेक्ट देने के लिए। इसी तरह से इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे अगेन इस जगह पे यूज़ कर लूँगा या यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, राइट, कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारे एक बैकग्राउंड का एक बेसिक सा पैटर्न बन चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करके ये हमारे पास, इसको मैं सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक बैकग्राउंड का पैटर्न बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट और आइकन्स और ऑर्डर नाउ का बटन, और राइट साइड पे कुछ इस तरह से इमेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली एक उसी तरह का एक एलिमेंट लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, सी ऑल पे क्लिक करूँगा तो वो सब तरह के शेप्स मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो लेट्स से ये कुछ इस तरह का वो शेप था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हमने कहाँ पे रखना था इसको, इस तरह राइट साइड के ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड मज़ीद इसको बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारे पास आ गया। इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे एक और इसी तरह का शेप लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। वापस आने के बाद यहाँ पे हमारे पास फोटो फ्रेम्स अवेलेबल हैं पिक्चर्स के लिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रेम्स, और यहाँ पे देखिए हर तरह के जो फोटो फ्रेम्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी फ्रेम मुझे यूज़ करना होगा वो मैं फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो लेट्स से हमारे पास इस तरह का कोई फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो मे बी होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ एक बिल्कुल गोल फ्रेम कुछ इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ पे यूं कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से बड़ा कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ओके, ये हमारे पास मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है ये फ्रेम। यहाँ पे हम आते हैं अपलोड्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड की हुई है, तो हम उस पिक्चर को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा बन चुका है एक इमेज वाला हिस्सा। उसके बाद हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड के ऊपर टेक्स्ट और आइकन्स लगाने हैं। तो मैं सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ये वाला फॉन्ट मैं यूज करूंगा। आपने ऐसा फॉन्ट यूज करना है जो बिल्कुल क्लियर हो, उसके ऊपर कोई भी किसी तरह की डिजाइनिंग्स वगैरह ना हो। तो मैं सिंपल इसको, बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ओके, मैं इस तरह से लिख देता हूँ वर्डप्रेस। तो इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज जो है वो छोटा कर लूँगा और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से कर लूँगा। ओके, उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी, तो ये कॉपी पेस्ट हो गया है, नीचे ले आया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन। और उसके बाद इसका जो साइज़ है मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, राइट, तो मैं इसको कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसके बैकग्राउंड पे एक जो है एलिमेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास फ्रेम्स एंड लाइंस हैं मौजूद हैं, डिफरेंट फ्रेम्स मौजूद हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम्स। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से, तो मैं ग्राफिक्स पे आ जाता हूँ वापस। यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, मैं वापस इस पे मतलब एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो वापस मेरे पास वो लाइंस एंड शेप्स आ चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से एक ये शेप ले लेता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसके बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ यहाँ पे इस तरह से सेट कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब इसी तरह इसके बैकग्राउंड पे भी मुझे कुछ एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा हल्का सा प्रोमिनेंट शो हो जाए और हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़रा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से यूज़ करता हूँ वेबसाइट। और इसका जो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ
ब्लैक, मतलब थोड़ा सी वेरिएशन आ जाए हमारे डिज़ाइन के अंदर। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डिज़ाइन का वर्ड है इसको मैं सिलेक्ट करके सिर्फ इसी का कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन लिखा हुआ आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, हमें इसके नीचे एक बटन लगाना है ऑर्डर नाउ का, और उससे पहले हमें आइकन्स लगाना है। आइकन्स लगाने के लिए सिंपल मैं एक और शेप लूँगा, यहाँ से उन शेप्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा और इसको इस तरह से कर लूँगा, और राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा सेंड टू बैकवर्ड। अब ये हमारा बैक चला गया, एक और बार मैं क्लिक करूँगा सेंड टू बैक, ये मज़ीद बैक पे चला गया, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छुपा दूँगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपने आइकन्स रखेंगे। आइकन्स रखने के लिए मैं इसका कलर पहले चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। ओके, और मैं जाता हूँ वहाँ पे गूगल के ऊपर, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज जो भी आइकन्स मुझे यूज़ करने होंगे एलिमेंटर आइकन, तो वो मैं यहाँ से आ जाऊँगा। ठीक है, ये सिंपल एक आइकन रहा और मैं इसको सेव कर लूँगा। इस तरह से आपने जो जो भी चीज़ के आइकन्स यूज़ करने हैं, आपने अपनी निश के मुताबिक जो भी थंबनेल बनाना है, जो भी आइकन चाहिए, आप गूगल से उठा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं तो मैं उन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल जैसे ये एलिमेंटर का एक आइकन रहा, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दिया। फिर वूकॉमर्स का एक आइकन है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई और आइकन नहीं है, वर्डप्रेस का आइकन है, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज़ कर लूँगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं जो हमने यूज़ कर चुके हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मज़ीद और जितने भी आइकन्स चाहूँ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं मज़ीद, मुझे एक आइकन और चाहिए होगा ताकि स्पेस ज़रा फिल लगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डीवी आइकन। तो हमारे पास एक डीवी एक पेज बिल्डर है, तो उसका मैं आइकन चूज़ कर लेता हूँ लेट्स से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकन PNG, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव्ड होगा और वो सिंपल होगा। तो मैं यहाँ से कोई अच्छा सा आइकन चूज़ करता हूँ। ओके, ये आइकन लेट्स से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और वापस यहाँ पे आने के बाद इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ से। आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं या डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ से सीधा इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ चुका है, इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा और अपने स्पेस को फिल कर दूँगा। राइट, ओके, तो ये हमारे आइकन्स लग गए और हमने जो कुछ भी बनाना चाहा वो उस तरह से बन गया। अब हमारा यहाँ पे मुझे बटन लगाना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपल कुछ इस तरह से एक और स्लाइड ले लूँगा और उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। राइट, लाइक दैट, इसको मैं कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ, और कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं, और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसको मैं थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता हूँ, इसको एक और मुझे स्लाइड लेनी है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से ऐड करनी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक 3D सा लुक आ गया हमारे पास, और इस तरह से हमारा जो थंबनेल है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुका है अकॉर्डिंगली। मैंने एक बेसिक सा रेफरेंस लेके आप अपने निश के मुताबिक अपने जो है फाइवर के अंदर जा सकते हैं, अपने निश सर्च कर सकते हैं। बाकी लोगों ने जिस तरह के थंबनेल डिज़ाइन किए हुए हैं उस तरह से आप उनको रेफरेंस लेके कुछ अच्छा थोड़ा बहुत चेंज करके अच्छे तरीके से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको एलिमेंट्स का यूज़ बताया, मज़ीद कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है
थंबनेल बनाते हुए आपका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो एक इस तरह से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप कुछ इस तरह के फॉन्ट्स आपने यूज नहीं करने, जैसे ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, क्योंकि ये अच्छे से विजिबल नहीं होते, राइट। और मेक श्योर कि आपका जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड से अच्छे से विजिबल हो, जिस तरह से ये टेक्स्ट और बैकग्राउंड बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं और अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। और आपने ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं करना अपने थंबनेल्स के अंदर, सिर्फ आपने अपनी मेन सर्विस डिस्क्राइब करनी। और मेक श्योर करें कि आप अपनी पिक्चर भी लगाएं, अगर लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई पिक्चर ज़रूर लगाएं, तो उससे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो ज़्यादा बढ़ता है और बायर आप पे ट्रस्ट करता है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से थंबनेल डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से जो है आपने थंबनेल डिज़ाइन करना है कैनवा को यूज़ करते हुए, और आप सब तरह के थंबनेल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम अपना जो थंबनेल है उसको अपने गिग के ऊपर लगा के पब्लिश करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।